सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर क्रिकेट अपडेट्स। हेलो एंड वेलकम टू क्रिकमेश। दोस्तों, फाइनली BCCI ने IPL का शेड्यूल जो है अनाउंस कर दिया है। आज आखिरकार पूरा शेड्यूल आ गया है IPL की 2020 की। हम अगर बात करें तो जो डेट था, तो डेट तो सेम है, 19 सितंबर से जो स्टार्ट होने वाला था IPL उसी टाइम स्टार्ट होगा। लेकिन जो शेड्यूल था, जो पहला मैच जो कयास लगाए जा रहे थे कि MI और CSK के बीच पहला मैच खेला जाएगा, वही है पहला मैच मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच अबू धाबी को खेला जाएगा 19 सितंबर को। उसके बाद जो दूसरा मैच होगा दुबई में दिल्ली कैपिटल्स और किंग्स 11 पंजाब के बीच, और उसी पिच पर तीसरा मैच भी खेला जाएगा RCB और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच। उसके बाद जो एक्शन है चला जाएगा शारजा में पहला मैच खेला जाएगा RR और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच। तो ये एक ब्रीफ दिया गया है, एक शेड्यूल पूरी तरह से दे दिया गया है BCCI द्वारा IPL का। अगर हम डबल हेडर्स की बात करें तो इस साल टोटल 10 डबल हेडर्स खेले जाने वाले हैं। टाइमिंग्स चेंज कर दी गई है थोड़ी सी, 3:30 बजे से मैचेस खेले जाएंगे इंडियन टाइम के अनुसार। 3:30 पे पहला मैच खेला जाएगा और 7:30 शाम वाले जो मैच होंगे वो 7:30 पर स्टार्ट होंगे। तो ये पूरी IPL की शेड्यूल आप देख सकते हैं। IPL की टाइमिंग को लेकर थोड़ा चेंज जरूर हुआ है। पहले जो 4 बजे वाले मैच होते थे वो 3:30 बजे खेले जाएंगे, और जो 8 बजे वाले मैच थे वो अब 7:30 बजे से खेले जाएंगे। अगर हम नंबर ऑफ मैचेस की बात करें तो सबसे ज़्यादा मैच दुबई में खेले जाने वाले हैं, 24 मैचेस खेले जाएंगे दुबई में। वहीं पर 20 मैचेस अबू धाबी में खेले जाने वाले हैं और 12 मैचेस शारजा में खेले जाएंगे। तो ये है पूरे IPL की शेड्यूल, IPL का शेड्यूल जो कि फैंस को बहुत दिनों से इंतजार था, BCCI ने आखिरकार पूरी तरह से डिटेल में अनाउंस कर दिया है। तो देखते हैं, अब IPL स्टार्ट होने ही वाला है 2 हफ्ते में। 2 हफ्ते का भी टाइम नहीं रहा है, 2 हफ्ते से भी कम टाइम रह गया है। बने रहिए क्रिकमेश के साथ, ऐसे ही हम आपको IPL से जुड़ी सारी खबरें देते रहेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें। थैंक यू, बाय बाय।